आज किसानों द्वारा ट्रैक्टर ट्राली रैली निकालकर किसानों के समर्थन में करने की अपील जन जन तक की। ट्रैक्टर ट्राली को लेकर किसानों में भारी उत्साह। हम आपको बता दें कि यह रैली हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर स्थित टोल प्लाजा से होते हुए और हल्का गुल्ला के तमाम गांव से होते हुए वापस चिका की अनाज मंडी में पहुंचेगी। ट्रैक्टर ट्राली में सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल व गाड़ियां मौजूद रही। ट्रैक्टर ट्राली को लेकर गुल्ला पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं किसानों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह ट्रैक्टर ट्राली हल्का गुल्ला के कई गांव से होते हुए निकलेगी और ज्यादा से ज्यादा जनता को किसानों का समर्थन करने की अपील भी करेगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि यह ट्रैक्टर ट्राली बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से निकाली जा रही है। इसके बारे में किसान चमकौर सिंह ने बताया कि आने वाले गणतंत्र दिवस के समारोह पर नहीं फहराने देंगे किसी भी नेता को गणतंत्र दिवस पर झंडा, क्योंकि नेता गद्दार है और एक उच्च अधिकारी को ही तिरंगा फहराने का हक है। ये ट्रैक्टर रैली हमने मोदी और खट्टर साहब को बताने के लिए की है। जो खट्टर साहब कहते हैं कि 5% किसान है, हम उनको बताना चाहते हैं कि कितने किसान है। आप हल्का गुल्ला है देखिए, कम से कम 1000 ट्रैक्टरों का काफिला पीछे है और कितने सभी हरियाणा में है ये ट्रैक्टर रैली। तो ये कहाँ से शुरू हुई है रैली, कहाँ तक? ये ट्रैक्टर रैली पंजाब बॉर्डर से, हरियाणा पंजाब बॉर्डर से शुरू हुई है। उसके बाद चीका, खरौती, जो रैली है किसान रैली है, आज जागृत रैली है। जो सरकार ने संदेश है भी सारे किसान जाग चुके हैं, मजदूर जाग चुके हैं, व्यापारी जाग चुके हैं। तो आने वाले गणतंत्र दिवस पर जो अपना झंडा कौमी झंडा चढ़ेगा वो किसान चाढ़नगे। इन्हें गद्दार नेता नहीं हम चाढ़ने देंगे। इन्हें गद्दार नेता के खिलाफ हैं, या तो कोई अफसर चढ़ेगा, ये गद्दार नेता ना चढ़न। ये सब जो बाकी कहते हैं, किसी भी कहते हैं, देश धरोही नेता लोग ने जिन्हें भी सरकार बैठे हैं।